सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्काई एमजे स्टडी को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का छठा लेसन त्रिभुज पढ़ेंगे और प्रश्नावली 6.1 को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि सर्वांशम आकृतियाँ क्या होती हैं। सर्वांशम, तो इसमें हम पढ़े हैं पिछली कक्षा में कि जिन आकृतियों का आकार और माप समान होता है उन्हें हम सर्वांशम आकृतियाँ कहते हैं। तो आकार और माप क्या होना चाहिए, ये समान होना चाहिए, तो हम उसे बोलेंगे सर्वांशम आकृति। जैसे हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मैंने यहाँ एक तस्वीर ली। इस तस्वीरों को थोड़ा देखते हैं कि क्या ये दोनों तस्वीरें सर्वांशम हैं या नहीं। तो सर्वांशम होने की हमारी कंडीशन है कि उसका आकार अर्थात उसका शेप और उसकी साइज दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए, आकार जो इसका शेप है ये एक जैसा है। यहाँ भी भगत सिंह की फोटो है और यहाँ भी भगत सिंह की फोटो है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों का आकार समान है। अब बात आती है अमाप पे, तो इसकी साइज क्या है कि दोनों की साइजें भी आपस में बराबर है। साइज देखिए, यहाँ से दोनों साइजें आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों तस्वीरें सर्वांशम हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो सर्किल हैं, ये दोनों का आकार हम क्या देखते हैं कि दोनों वृत्ताकार हैं। ये दोनों जो हमारे पास रिंग है, ये दोनों रिंगें क्या हैं, वृत्ताकार हैं। अब बात आती है इसके अमाप पे अर्थात इसकी साइज क्या बराबर है, तो हम क्या करेंगे इसको इसके ऊपर रख के देखेंगे, तो इसकी साइजें भी क्या होती हैं, बराबर हो गई। यहाँ से देखिए, इसकी साइज भी क्या हो गई, बराबर हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों आकृतियाँ सर्वांशम हैं। अब यहाँ से आप इसे एक तरीके से और परिभाषित कर सकते हैं सर्वांशम आकृतियों को, कि जब एक आकृति को दूसरे आकृति पर रखा जाए और वो उसे पूरी तरह से ढक ले। देखिए यहाँ से, ये पूरी तरह से पहले आकृति को ढक ली है और पूरी तरह से ढक ले, तो वे दोनों आकृतियाँ सर्वांशम आकृतियाँ कहलाती हैं। यहाँ से ये दोनों रिंग जो हैं ये सर्वांशम हैं। अब हमने एक और एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे आपके सामने ये दो पेपर के कट हमने रखे और आपसे पूछा कि क्या ये दोनों सर्वांशम हैं। तो सबसे आसान तरीका इसको बताने का है कि पहले पेपर को उठाइए और दूसरे पेपर पे रख दीजिए। देखिए कि पहला पेपर दूसरे पेपर को पूरी तरह से ढक ले रहा है या नहीं। तो यहाँ से देखिए, ये पूरी तरह से इसे ढक लिया है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सर्वांशम है। लेकिन क्या यहाँ पे ये दोनों सर्वांशम हैं? तो यहाँ से तो जब हम इसको इसके ऊपर रखते हैं तो ये सर्वांशम बताता है, लेकिन इसको जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये सर्वांशम नहीं है, क्योंकि एक छोटा है और ये इसको पूरी तरह से ढक नहीं पा रहा है, तो ये दोनों सर्वांशम नहीं हुए। तो आशा करते हैं कि आप सर्वांशम आकृतियों को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं। तो वे आकृतियाँ जिनका केवल आकार समान होता है उन्हें समरूप आकृतियाँ कहते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ फिर से हमने आपके सामने उन्हीं दोनों तस्वीरों को रखा और आपसे ये प्रश्न किया कि क्या ये दोनों आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ हैं। आप कैसे इसको बताएंगे कि ये दोनों आकृतियाँ समरूप हैं या नहीं? तो देखिए, समरूप आकृतियां कहते किसे हैं जिनका आकार शेप एक जैसा हो। शेप का मतलब कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वृत्त बनाया, ये आपका एक वृत्त हो गया, फिर से मैंने यहाँ पे ये एक वृत्त बनाया, फिर से यहाँ पे एक वृत्त बनाया, यहाँ फिर से एक वृत्त बनाया, तो ये देखिए सबका शेप क्या है, वृत्ताकार है। शेप सबका क्या है, वृत्ताकार है। तो यहाँ से ये जो तस्वीर है
ये तस्वीर और ये तस्वीर, दोनों तस्वीरों का शेप क्या है? समान है। शेप मतलब यहाँ भगत सिंह की तस्वीर है तो यहाँ भी भगत सिंह की तस्वीर है, और उसी रूप में यहाँ भी है, तो ये दोनों आकृतियाँ क्या कहलाएंगी? समरूप आकृतियाँ कहलाएंगी। जैसे कि मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा कि एक वृत्त, क्या ये समरूप होगा या नहीं? तो सभी वृत्त जो होते हैं, छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा, सभी वृत्त समरूप होते हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जितने भी वृत्त होते हैं सभी समरूप वृत्त होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ से ये और ये क्या है? समरूप हैं, क्योंकि इनका शेप क्या है? समान है। तीनों जो हैं वृत्ताकार हैं। अब अगला देखते हैं हम, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं सब समरूप आकृतियाँ के होते हैं। तो यहाँ से ये तीनों जो त्रिभुज होंगे ये समरूप होंगे। अब आपके दिमाग में एक बात आती है कि केवल समरूप, सॉरी, केवल समबाहु त्रिभुज ही क्यों समरूप होते हैं? अन्य त्रिभुज समरूप क्यों नहीं हो सकते? तो इसके लिए हम समझते हैं इसको थोड़ा यहाँ से, कि मान लीजिए हमने समद्विबाहु त्रिभुज बनाया। तो ऐसे करके हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे बना लिया। अब एक और समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ से हमारे दो त्रिभुज, सॉरी, समद्विबाहु त्रिभुज बन गए। यहाँ से ये आपको दिख रहा होगा कि ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन समकोण त्रिभुज भी समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। ये जो पी क्यू है और पी आर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, और जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि समरूप आकृतियों के लिए आकार समान होना चाहिए। यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों का आकार समान नहीं है। यहाँ से देखिए, ये और ये दोनों का आकार समान नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो कोण है कुछ और होगा, लेकिन यहाँ का 90 अंश है, क्योंकि यहाँ का जब कोण होगा 90 अंश से कम होगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि केवल समबाहु त्रिभुज ही समरूप आकृतियों में आता है। जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं सभी समरूप आकृति के होते हैं। और अब तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि जितने भी वर्ग होते हैं सभी समरूप आकृतियों के होते हैं। इन सभी का शेप क्या होगा? बराबर होगा। जैसे कि आपने इसको, इस तस्वीर को उठाया और इसके बीच में जब आप रखेंगे तो ये सेम आकृति को, आकृति का आपको मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी वर्ग होते हैं सभी समरूप आकृतियों के होते हैं। अब आपको एक नोट लिखना है, और उसमें लिखना है कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती हैं। तो यहाँ से आप नोट करके लिख लेंगे। तो यहाँ से हमने लिख लिया कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती हैं। अब हम देखेंगे बहुभुज की समरूपता। तो यहाँ हमने दो बहुभुज बनाए और आपसे ये प्रश्न किया कि क्या ये दोनों आकृतियाँ समरूप हैं या नहीं हैं। तो आप इसे कैसे बताएंगे कि ये दोनों आकृतियाँ समरूप हैं या नहीं? देखने से तो यही लग रहा है कि हाँ, दोनों आकृतियाँ समरूप हैं, क्योंकि दोनों का आकार क्या है? समान है। लेकिन आप इसे ऐसे ही नहीं बता सकते, इसके कुछ रूल हैं जिसे हमें समझना है। तो इसके लिए हमने इसके साइज के दो पेपर काटे हैं। यहाँ पे हम इसको रख देते हैं और इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों क्या है? एक बहुभुज है। अब हमें बताना है कि क्या ये दोनों
समरूप हैं या नहीं। तो समरूप होने के लिए हम पहले इनके कोण चेक करेंगे। तो हमने इसको उठाया और यहाँ पे रखा, ये कोण हमारा क्या आया, सही आया। अब इसको हम उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो इसका भी कोण क्या आया, सही आया। यहाँ से देखिए ये कोण क्या है, बराबर यहाँ भी है। अब नीचे आते हैं तो नीचे हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी कोण क्या है, बराबर है। देखिए यहाँ पे देखते हैं तो ये भी कोण क्या होंगे, क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए, यहाँ से ए पी के बराबर है, एंगल पी के बराबर है। एंगल बी जो है ये बी क्यू के बराबर है, और एंगल डी एंगल यस के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि इनकी भुजाओं को देखना है। तो यहाँ से हमने इसको देखा, यहाँ पे रखेंगे इसको, तो ये आपका आ गया यहाँ पे। अब इसे यहाँ से मिलाते हैं फिर से, तो ये आपको आधा आधा मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ पे आपका ये आधा हो जाता है। वैसे यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे एक मिला और दूसरा यहाँ पे, तो यहाँ भी आधा ये हो रहा है। अब इस पे आते हैं तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, इसको आधा देखते हैं कि ये यहाँ से आधा है और यहाँ से इसका आधा है। तो भुजाएं कैसे हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ से नीचे वाली पी क्यू भी देख लेते हैं, ये पी क्यू मिलाएंगे तो यहाँ पे आया, और इसको यहाँ पे रखे तो ये भी आधा आधा हमारा आ गया। देखिए यहाँ पे ये आधा आधा ये भी आ गया। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखिए हम लिखेंगे कि ए बी बराबर है पी क्यू बटा दो के, ए बी पी क्यू बटा दो के बराबर है। या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि यहाँ से पी क्यू जो है हमारा ये बराबर है टू ए बी के, टू ए बी के। यहाँ से आधा जो था ये ए बी के बराबर था, तो यहाँ से यहाँ फिर ए बी होगा, तो ए बी और ए बी टू ए बी, तो हमारे पी क्यू का जो मान है टू ए बी के बराबर है। सेम वैसे यहाँ भी लिख लेंगे कि हमारा जो पी एस का मान है वो टू ए डी के बराबर है, और हमारा जो आर आर क्यू का मान है वो टू बी सी के बराबर है, और जो हमारा आर एस का मान है वो टू सी डी के मान के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि इनके संगत कोण आपस में बराबर हैं। जैसे आपने देखा कि ये डी ए जो था पी के बराबर था, बी जो था क्यू के बराबर था, सी आर के बराबर था, और डी एस के बराबर था। तो हमने देखा कि इसमें संगत कोण बराबर हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस बहुभुज की भुजाओं को देखेंगे। यहाँ पे भुजाएं क्या मिली हैं हमको, यहाँ से हम क्या करते हैं इसको कि ए बी और बटा कर लेते हैं पी क्यू के। देखिए ये संगत भुजा है, तो संगत भुजा का अनुपात निकालते हैं पी क्यू बराबर। अच्छा यहाँ से आपने क्या देखा कि अगर यहाँ पे एक रहता तो ये आपका कितना मिलता, दो मिलता, मिलता या नहीं, दो गुना ये आया है, तो यहाँ पे एक रहता तो यहाँ पे आपको कितना मिलता, दो। तो हम इसको लिख सकते हैं एक बटा दो, ठीक है। उसके बाद ये बी सी का अनुपात देखते हैं कि बी सी बटा, अब बी सी की संगत भुजा क्या है, आर क्यू है, तो यहाँ पे हम आर क्यू लिखेंगे। तो इस बी सी का ये भी दुगुना आया है, तो अगर ये बी सी एक रहता तो ये कितना आता, दो आता। तो यहाँ से हम इसको भी लिख लेंगे बी सी की जगह एक और आर क्यू की जगह दो। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ए बी का पी क्यू दो गुना है, इसलिए हम ए बी को एक माने तो पी क्यू दो हो जाएगा, तो इसे हम एक बटा दो, ए बी के सामने हम एक लिख लिए और पी क्यू की जगह सामने हमने पी क्यू के दो लिख लिया। ऐसे
यहाँ पे बी सी जो हमने माना एक लिख लिया यहाँ पे, और आर क्यू इसका 2 गुना है, तो यहाँ आर क्यू की जगह हमने 2 लिख लिया। अब यहाँ से देखिए, ये हमने सी डी लिखा, सी डी, और यहाँ से हम क्या लिखेंगे, आर एस लिखेंगे। तो यहाँ भी सी डी अगर हमारा 1 होता तो ये उसका 2 गुना आया है, तो ये 2 आता, तो यहाँ भी आपको मिलेगा 1/2। वैसे यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जब ए डी का मान निकालना है हमको, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए डी बटा हम क्या करेंगे, पी एस करेंगे या एस पी करेंगे, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं एस पी। तो ए डी का ये एस पी 2 गुना है, तो इसका मतलब कि ये यदि 1 होता तो ये कितना आता, 2 आता, तो हम यहाँ पे 1/2 लिख लेते। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि संगत भुजाएं जो हमें मिल रही हैं उनका अनुपात बराबर आ रहा है, तो हम दो बहुभुजों को समरूप तभी कह सकते हैं जब उनके संगत कोण, ये संगत कोण क्या है, बराबर है, तो उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो आप इसे कैसे किसी को बताएंगे कि दो बहुभुज समरूप हैं या नहीं, उसके लिए आप लिखेंगे, तो यहाँ से आप बोलेंगे कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। तो संगत कोण बराबर हो, तो यहाँ से आपने क्या देखा था कि ये कोण इसके बराबर था, ये वाला इसके बराबर था, ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर था, तो ये संगत कोण आपस में बराबर थे। अब संगत भुजाओं के भुजाएं एक ही अनुपात में हों, संगत जो भुजाएं हों एक ही अनुपात में हों, तो यहाँ से हमने क्या देखा था कि ये ए बी जो था पी क्यू का 2 गुना था, सॉरी ये जो पी क्यू था वो ए बी का 2 गुना था। तो हमने इसे कैसे लिखा था कि पी क्यू बराबर 2 AB, ऐसे लिखा था हमने। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको कि पी क्यू को इधर ला देंगे, या तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर ए बी की जगह हम 1 मान लें, और अगर यहाँ पे 1 मान लें तो ये वाला कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या तो ऐसे आप कर सकते हैं, तो आप तब आपका निकलेगा कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए बी की जगह हमने कितना मान लिया, 1, तो 1 लिख लेंगे, और पी क्यू की जगह हमने माना नहीं, इसका ये डबल है तो ये 2 हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ से भी आ सकता है, देखिएगा कैसे कि इस 2 को हम लाते हैं इधर, 2 को हम इधर लाएंगे, जब 2 को हम इधर लाएंगे तो ये पी क्यू बटा के 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा आपका ए बी। अब ये पी क्यू इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये पी क्यू बटा 2 बराबर, सॉरी पी क्यू को हमें इधर करना है, तो यहाँ पे आपका बचेगा 1 और नीचे बचा 2, तो यहाँ पे आपका ए बी और ये पी क्यू, तो यहाँ से भी हम ला दिए ए बी बटे पी क्यू का मान 1/2। वैसे ही जब आप इसका निकाले हैं तो इतना आया है, वैसे ही जब आप ए डी का निकालेंगे तो ये अनुपात क्या होगा, बराबर आएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि दोनों बहुभुज समरूप आकृति के हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिया और आपसे ये प्रश्न किया कि क्या ये दोनों आकृतियाँ समरूप हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप ये दोनों आकृतियाँ बहुभुज की हैं, तो सबसे पहले आप कोण चेक करेंगे, पहले हम संगत कोण लेते हैं, तो संगत कोण यहाँ पे ए पी के बराबर है, देखिए 105 है और यहाँ भी 105 है, तो हम लिख लेंगे कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है। अब आते हैं बी पे, तो बी 100 है, यहाँ क्यू भी 100 है, तो यहाँ से देखिए लिखेंगे बी बराबर है एंगल क्यू के। अब सी पे सी भी बराबर है आर के, सी आर के बराबर है, तो ये लिख लेंगे कि एंगल सी एंगल आर के बराबर है। यहाँ पे एंगल डी लिखेंगे कि एंगल डी बराबर है
एंगल यस के, तो हमने क्या देखा कि इन दोनों आकृतियों में संगत कोण बराबर हैं। संगत कोण बराबर हैं। अब हम देखेंगे संगत भुजाओं को, तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी और इसका अनुपात निकालेंगे ए बी बटे पी क्यू, क्योंकि ए बी के संगत क्या है, पी क्यू है, तो हम निकालेंगे ए बी बटे पी क्यू। ए बी का मान 1.5 और पी क्यू का मान 3, तो यहाँ से हम इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे बी सी, तो लिखेंगे बी सी बटा के क्यू आर, क्यू आर बी सी का हमारा मान है 2.5 और क्यू आर का मान है 5। अब इसको हम काटेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 1/2। अब सी डी का मान देखेंगे, यहाँ से लिखेंगे सी डी बटे आर एस, आर एस तो सी डी का मान हमारा कितना है 2.4 और आर एस का मान है 4.8। अब इसको हम काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2। अब आगे चलते हैं और डी ए का मान देखते हैं, डी ए और एस पी का अनुपात निकालते हैं, तो एस पी बराबर हो गया, डी ए का मान 2.1 और एस पी का मान 4.2। अब इसे हम जब काटेंगे तो यहाँ भी आ गया 1/2। तो हमने क्या देखा कि संगत भुजाओं का मान बराबर आ रहा है, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। तो संगत कोण भी बराबर हैं और संगत भुजाएं भी बराबर हैं, इसलिए ये दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां होंगी। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं या नहीं। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि इनके संगत कोण आपस में बराबर हैं। देखिए ये 90 90 सब 90 है, यहाँ पे ये 90 अंश के सभी कोण हैं, तो संगत कोण बराबर हैं। तो पहली हमारी कंडीशन क्या होती है, पूर्ण होती है कि संगत कोण, संगत कोण बराबर हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे संगत भुजाओं को, तो ए बी का अनुपात पी क्यूब से निकलना चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी बटा पी क्यूब, ए बी का मान 3 और ये 3.5, तो यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, इसको कर सकते हैं 30 और इसको कर सकते हैं 35, तो ये 6 और ये 7, इसका मान हमारा आ गया 6/7। अब दूसरी संगत भुजा हम देखेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं कि बी सी, बी सी बटा यहाँ पे क्या है क्यू आर, क्यू आर तो बी सी का मान कितना है 3 और क्यू आर का मान भी है 3, तो इसे हम काटेंगे ये आपका आ गया 1। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये संगत कोण तो बराबर हैं लेकिन संगत भुजाएं बराबर नहीं आ रही हैं, इसलिए ये दोनों आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ नहीं होंगी। तो अब हम देख लेते हैं प्रश्नावली 6.1। पहला क्वेश्चन है कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। अब पहला क्वेश्चन है कि सभी वृत्त डैश होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो हम पहले में भर लेंगे कि समरूप होते हैं, आपने इसे पीछे पढ़ा है। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि सभी वर्ग डैश होते हैं, तो जितने भी वर्ग होते हैं सभी समरूप होते हैं, तो दूसरे में भी हम भर लेंगे कि समरूप होते हैं, जितने भी वर्ग होते हैं सभी समरूप होते हैं। अब तीसरे प्रश्न में आते हैं, लिखा है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो डैश में हम क्या भरेंगे, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पे आपको भरना है समबाहु, यहाँ पे हम समद्विबाहु त्रिभुज नहीं भरेंगे, समबाहु भरेंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा क्वेश्चन है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके
संगत कोण डैश होते हो, संगत कोण डैश हो, तो यहाँ पे आप भरेंगे बराबर। संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर। तो यहाँ पे हम भर लेंगे बराबर। तो ये चौथे के पहले में भरेंगे, और उसके बाद है कि उसकी संगत भुजाएं किस में होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप भरेंगे समानुपाती, समानुपाती। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है कि समरूप आकृतियों का, तो समरूप आकृतियों का उदाहरण देना है हमें। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज, या कर लेंगे कि वर्ग, जितने भी वर्ग होते हैं सभी क्या होते हैं? वर्ग। वर्ग जो होते हैं वो सभी के सभी समरूप होते हैं। और इसके बाद हम मान सकते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये भी क्या होता है? ये भी सभी, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं सभी के सभी समरूप होते हैं। अब इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समान रूप में नहीं हो। तो इसका जो दूसरा प्रश्न है इसमें लिख लेंगे कि आयत और वर्ग, आयत और वर्ग जो हमारे होते हैं ये दोनों समरूप नहीं होंगे। और दूसरे में हम लिख लेंगे कि वर्ग और त्रिभुज, वर्ग और त्रिभुज ये दोनों भी आपको समरूप नहीं दिखेंगे। अब देखेंगे हम तीसरा प्रश्न। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। हमें इन दोनों चतुर्भुजों को देख के बताना है कि क्या ये समरूप हैं। तो हमने इसकी कंडीशन पढ़ी है कि कैसे हम बता सकते हैं कि चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो पहले देखिए यहाँ के हम संगत कोण इनके देखेंगे। तो यहाँ पे हमें कोण दिख रहा है 90 अंश का, लेकिन यहाँ पे ये कोण 90 अंश का नहीं होगा। तो पहले ही हम कह सकते हैं कि इनके संगत कोण बराबर नहीं है, अतः यह समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें।